रियान कौन करता है रियान कौन करता आम घर जिन बहुत रेयर देखा मिले ना हाँ डैडी पाखे रियान गुड मॉर्निंग सो आम गाधु टिके बोरे चलतु देखिया मामा कौन कर हाय गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल शो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से हम एक नए ब्लॉग के साथ आ गए हैं। तो आज का ब्लॉग हम लोग हिंदी में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गया तो हिंदी में नहीं किए थे, तो आप लोग शायद वेट कर रहे होंगे हमारा। तो वही है, अभी तो हमने फ्रेंच फ्राइज बना के खा लिया है। तो जो कि है हमने रेडीमेड ही लिया था। तो चलिए आज का क्या बनेगा, लंच में क्या है उसका प्रिपरेशन करते हैं। चिकन लेके आए हैं आज बहुत दिनों के बाद, मतलब डेढ़ महीना के आसपास हो गया हमने चिकन नहीं खाया है। तो आज उड़ीसा स्टाइल ही बनाएंगे क्योंकि बाकी तो जो है हमने खाया था लास्ट वीक भी, हमने जो है वन मंथ से एक्चुअली नहीं खा रहे थे क्योंकि सावन का महीना चल रहा था। तो भाई है एक्चुअली वन वीक पहले हमने जब गए थे तो हम उधर तो हमने बिरयानी और तंदूरी चिकन और रियान और उसके डैडी मटन बिरयानी ऐसे कुछ खा लिए थे। तो भाई है आज चिकन लेके आए हैं, घर पे ही बनाएंगे। रियान भी बहुत दिनों से डिमांड कर रहा था कि चिकन करी बना दो। तो चलिए चिकन को पहले मैं साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मैरिनेट करके रखेंगे उसको। दिखाती हूँ कि है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से धो लेंगे। इसी में ही धो लेंगे नहीं तो खामा का दो तीन बर्तन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो मैंने अच्छे से धो लिया है, अभी मैं क्या करती हूँ इसमें से थोड़ा सा निकाल कर रख देती हूँ। इवनिंग को जो है पकोड़े बनाएंगे चिकन का, तो अभी मैं जो करी बनाऊँगी उसके लिए ही सिर्फ मैरिनेशन कर लेती हूँ, बाकी का निकाल कर रख देती हूँ फ्रिज में। यहाँ पर मैंने चिकन में थोड़ा सा तो निकाल दिया है, अभी इसको जो है मैंने थोड़ा सा प्याज डाला है और नमक और हल्दी डाला है थोड़ा थोड़ा। तो अभी जो है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के मैं इसको अभी मैरिनेट करके रख दूंगी 15 से 20 मिनट तक। मम्मी एक तो काम करिए, इसको करी मत बनाइए, बिरयानी बना लीजिए। अरे बाबा बिरयानी नेक्स्ट वीक बनाएंगे ठीक है, क्योंकि हम तो छोटे पीस लेके आए ना, करी भी नहीं खाया आपने बहुत दिन हो गया। आप बोल रहे थे कि चिकन करी खाना है, चिकन करी खाना है। चलिए इसको जो है अभी मैं मैरिनेट कर लेती हूँ। सावन पूर्णमी में मैं नॉन वेज खा रही हूँ, चिकन बर्गर।
हाँ रियान तो उसको सावन में वो उसका चल रहा था, छोटा बच्चा है अभी से क्या ये करेगा, तो वो खा रहा था, हम दोनों ही नहीं खा रहे थे, रियान और मैं, सॉरी रियान के डैडी और मैं, रियान तो खा रहा था, उसको कभी मैगडी खाना था, कभी मैगडी का रैप खाना था, कभी मैगडी का चिकन लेग पीस खाना था, ऐसे ऐसे करके पूरा जो कि है। अभी देख सकते हैं कलर भी अच्छा हो गया मैरिनेट करके, अभी इसको 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ, उसी टाइम में मैं आलू और प्याज दोनों भून लेती हूँ। आपने जड़े फेंक दिया नीचे क्या? पर है मैरिनेटेड चिकन और यहाँ पर है प्याज, नहीं प्याज नहीं, और यहाँ पर हमने लहसुन को भिगो दिया है, गार्लिक है, गार्लिक। अभी इसको साफ करेंगे, और यहाँ पर है आलू, और यहाँ पर है राइस हमने भी चढ़ा दिया है। अभी आलू को हम थोड़ा ज्यादा नहीं भुनेंगे, इतना ही काफी है। अभी हम इसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और फिर तेल में थोड़ा सा जो है खड़े मसाले डालेंगे। क्या क्या डालती हूँ दिखाती हूँ आपको, पहले इसको निकाल देते हैं। डाल रही हूँ एक तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा, और तेल आप थोड़ा सा ही डालिए, ज़्यादा मत डालिए, मतलब ज़्यादा नहीं कि कम नहीं, मीडियम क्वांटिटी में लीजिए, कम लेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, ज़्यादा लेंगे तो वो पूरा ऑयली ऑयली हो जाएगा। तो भैया तो इतना कुछ मसाले हमने डाल दिया है, अभी इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो भून गया तो अभी जो है हम प्याज को डाल देते हैं इसमें, अभी प्याज में थोड़ा सा जो है हम नमक और हल्दी डाल के भून लेंगे। जो है प्याज तो भून गया था, अभी जो कि है मैंने थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है अच्छे से, इसको अभी जो है भून लेती हूँ। फिर इसमें जो है हम पाउडर मसाला डालेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर और चिकन मसाला, वैसे सब पाउडर मसाला सभी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर है चिकन मसाला और चिली पाउडर, और ये है कश्मीरी चिली पाउडर, और ये जो कि है धनिया पाउडर। तो मैंने तो ऑलरेडी हल्दी और नमक डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। तो आप स्पाइसी तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कितना खाना है आपको। तो यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा ही डाल रही हूँ कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा तो अच्छा लगेगा ना। तो चिली पाउडर यहाँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं ले रही हूँ, हमें जितना चाहिए, हम थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा प्रीफर करते हैं, नहीं तो नॉनवेज का कुछ भी हुआ ना तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं हुआ तो रियान के रेडी नहीं खाते हैं, खाते हैं बट इतना मतलब ऐसे बनाए वैसे बनाए बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चिकन मसाला डाला है, ठीक है। तो अभी जो है हम उसको थोड़ी देर भूनेंगे, और उसमें थोड़ा सा जो है पानी डाल देंगे थोड़ी देर में, क्योंकि जो पानी डालने से जो चिली पाउडर है वो जलेगा नहीं और कलर अच्छे से आएगा। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और थोड़ा इधर हवा चल रहा है ना, तो इसीलिए इधर सब भी धुआं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो मसाले को थोड़ी देर भून लेते हैं, उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे। पर हमने चिकन भी डाल दिया है और भुनना भी स्टार्ट कर दिया है, इसको अच्छे से भून लेते हैं, अरे भून गया, और फिर हम पानी डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। तो देखिए हमारा तो चिकन करी बिल्कुल रेडी है, इसमें बस हल्का सा गरम मसाला डालेंगे और खाना खाएंगे। मच 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 लेते चिकन ग्रेवी, और एक क्या है रियान? मुझे समझ आता है कि डिपार्टमेंट में कोई चेंज चाहिए, उसमें से तुम्हें मेरी बदली चिकन वाले फिर हम खाना खाते हैं। मुझे तो तुम से खाएंगे किसके साथ? मैंने तुम्हारे बारे में इंक्वायरी की है, मम्मी के साथ। मुझे कहा कि रोटी के साथ खाओ, देखो कैसा है। कलायुग को कोर्ट में धोखा दे दो और मेरी तरफ से आगे पर मैं तुम्हें इस विला की चाबी एडवांस में ऐसा मनो ये और कुछ काम नहीं है, पूरा विला तुम्हारा है, ले लो। कैसे है? लौट सा गया, बढ़िया आसानी से अपना ऑफर दे दिया। कितना बढ़िया, अच्छा। तो आपका पेंसिल बॉक्स उधर क्यों पड़ा है? बुक्स भी नहीं रखा आपने। तो चलिए खाना खाते हैं, चिकन करी के साथ रोटी और चिली चिकन। आप अपनी विलनगिरी किसको दिखा रहे हैं? आप ये अभी कर रहे हैं, ये सब मैंने कब का करके छोड़।
Bye.